नमः संस्कृताय सरस्वती नमः। संस्कृत शाला में आप सभी का मैं अनिल कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आज कारकों के विषय में पढ़ते हैं। कारक क्या होते हैं? कारक शब्द जो है वो क्रि धातु से बना है। क्रि का अर्थ होता है करना, अर्थात जो वाक्य में मुख्य कार्य करते हैं। जब भी हम किसी वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसमें कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं, अर्थात यूं कह लीजिए कि कारकों के बिना वाक्य निर्माण संभव ही नहीं है। आइए जानते हैं किस किस प्रकार से। कारकाणि कानि भवन्ति, कारकाणि क्रिया के साथ सीधा संबंध स्थापित करने वाले घटक होते हैं, अर्थात जब हम किसी वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसमें कर्ता मुख्य होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। परंतु कर्ता का क्रिया के साथ संबंध कैसे स्थापित होता है? वो स्थापित होता है कारकों के माध्यम से। इसलिए कारक की परिभाषा है जो घटक, जो शब्द वाक्य में कर्ता का क्रिया के साथ सीधा संबंध स्थापित करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। देखिए परिभाषा में, कारक जो होते हैं वो क्रिया के साथ सीधा संबंध स्थापित करते हैं और ये कारक, इन कारकों के बिना किसी वाक्य का निर्माण नहीं किया जा सकता, ये याद रखिएगा। आइए जानते हैं कारकों की महत्ता को और कारकों का प्रयोग क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है कारकों के प्रयोग की। कारक का प्रयोग चाहे हिंदी भाषा हो चाहे संस्कृत भाषा हो, संस्कृत भाषा में तो विशेष रूप से कारकों का महत्व है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कारक, उसके चिन्ह और संस्कृत में विभक्ति और उसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आइए देखिएगा, सर्वप्रथम होता है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, कर्ता किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, काम करने वाले को कर्ता है कहते हैं। वाक्य में जो व्यक्ति कार्य करता है, किसी वाक्य में जब किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है वो व्यक्ति कर्ता कहलाता है। अब जैसे राम पढ़ता है, इसमें कर्ता कौन है? कर्ता है राम, इसलिए राम शब्द में कर्ता कारक है। या राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम ने पुस्तक पढ़ी तो राम ने, यहां पर कर्ता कारक है, अर्थात कार्य करने वाला कौन है, पढ़ने वाला कौन है? राम है, इसलिए राम कर्ता कारक है। और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, और कर्ता कारक में विभक्ति होती है प्रथमा, प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः पठति, अब रामः में प्रथमा विभक्ति लगी है। प्रथमा विभक्ति में तीन वचन होते हैं, रामः रामौ रामः, अब रामः पठति, अब राम में प्रथमा विभक्ति लगी है। क्योंकि क्यों लगी है प्रथमा विभक्ति? क्योंकि ये कर्ता कारक है और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, और कर्ता काम करने वाला है राम, और कर्ता कारक में विभक्ति होती है प्रथमा, इसलिए रामः पठति, राम पढ़ता है, इसलिए यहां पर राम शब्द में कर्ता कारक है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जब आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे, संस्कृत में अनुवाद करते समय बिना कारक के उसकी विभक्ति की पहचान नहीं की जा सकती। जैसे हिंदी से हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो यदि हमें कारकों का ज्ञान होगा तो हम निश्चित रूप से संस्कृत में आसानी से, बिल्कुल सरलता से हम अनुवाद कर सकेंगे। आइए द्वितीय विभक्ति जानते हैं, द्वितीय क्या होती है। दूसरा कारक होता है कर्म कारक। अब कर्म कारक का चिन्ह होता है को, और इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो आप पहचान कैसे करेंगे कर्म की? तो संस्कृत में सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र लिखा कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तु कर्ता को जो ईप्सित है, जो पसंद है, उसको कर्म कहते हैं, अर्थात जो कार्य को करना कर्ता पसंद करता हो उसको कर्ता, उसको कर्म कारक कहते हैं। अब जैसे कर्म का चिन्ह है को, इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, रामः पुस्तकं पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम को क्या करना पसंद है? पुस्तक पढ़ना पसंद है। तो पुस्तक शब्द जो है वो कर्म है, कर्म कारक है, पुस्तक को पढ़ता है। रामः पुस्तकं पठति, राम पुस्तक को पढ़ता है।
इसलिए पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति का एकवचन लगा है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीय विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति का एकवचन है। रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है और पुस्तक जो है इसमें कर्म कारक है। आगे होगा समझ में आपकी। आगे देखिए तीसरा कारक है करण कारक। अब जैसे कि करण, करण शब्द सुनने से ही हमें ज्ञात होता है किसी साधन का, अर्थात साधारण सी बात याद रखिए, करण किसे कहते हैं, करण कहते हैं साधन को। अब जैसे मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में ये साधन है, ये लेखनी है, ये कलम है, ये साधन है, इसके द्वारा लिखता हूं मैं, अब ये साधन है। तो देखिए इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा, और इसमें विभक्ति होती है तृतीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति में उदाहरण देखिए, रामः कलमेन लिखति, राम कलम से लिखता है, या मैं कलम से लिखता हूं, या मैं बस से दिल्ली जाता हूं, या मैं गाड़ी से स्कूल जाता हूं, इस प्रकार से गाड़ी से विद्यालय जाता हूं, तो रामः कलमेन लिखति, राम कलम से लिखता है। तो कलमेन कलम साधन है, और साधन को कहते हैं करण। अब साधारण सी बात याद रखिए, करण कहते हैं साधन को, और साधन है इसमें कलम, इसलिए यहां पर करण कारक है, और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, कर्त्री करणयोस तृतीय, तो इसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो रामः कलमेन लिखति, राम कलम से लिखता है, इसमें कलम से यहां पर करण कारक है, और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आ गया होगा समझ में। उसके बाद देखते हैं चतुर्थी विभक्ति, चौथा कारक है संप्रदान कारक। सम प्रदान, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सम सम्यक रूप से प्रदान देना, अर्थात जिसमें जिस वाक्य में किसी व्यक्ति को कोई, किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु दी जा रही हो, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दी जा रही हो, हमेशा के लिए जो दी जा रही हो, वहां पर संप्रदान कारक होता है। सम प्रदान, प्रदान करना देना, अर्थात देखिए नृपः निर्धनाय धनम ददाति, नृप राजा निर्धन के लिए धन देता है, या निर्धन को धन देता है। अब आप कहेंगे कि को तो कर्म कारक का भी चिन्ह है, और यहां पर भी आप कह रहे हैं कि को है, बिल्कुल है, लेकिन यहां पर कर्म कर्ता को पसंद है, कर्ता को जो पसंद है उसको कर्म कारक कहते हैं, लेकिन जिसमें किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति को कोई चीज देने अर्थ में, देने अर्थ में जो है वो को का प्रयोग अगर हुआ है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी और वहां पर संप्रदान कारक होगा। समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं, नृप निर्धनाय धनम ददाति, राजा निर्धन को धन देता है, या राजा निर्धन के लिए धन देता है, यहां पर निर्धन के लिए, निर्धनाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और निर्धनाय निर्धन के लिए धन देता है, हमेशा के लिए दे दिया, राजा वापिस तो नहीं लेता, इसलिए प्रदान अर्थ में, साधारण सी बात याद रखिए, जहां पर देना हो और को लगा हो या के लिए लगा हो, वहां पर समझ लीजिए कि संप्रदान कारक होता है। संस्कृत में अनुवाद करते समय इसका विशेष ध्यान रखना होता है, जहां पर किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु दी जा रही हो वहां पर संप्रदान कारक होता है। आइए आगे जानते हैं अपादान कारक क्या होता है, संप्रदान का। आगे देखिए अपादान, अपादान का अर्थ होता है किसी वस्तु से किसी वस्तु का अपादान, अलग होना, अब आदान अलग होना, तो इसका चिन्ह है से, इसका भी से है, और यहां पर करण का चिन्ह भी से है, लेकिन यहां से साधन है और यहां पर से अलग है। अब जैसे इसमें पंचमी विभक्ति होती है संस्कृत में, और जैसे हम उदाहरण देखते हैं, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात वृक्ष से अलग हो रहा है, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात में पंचमी विभक्ति है, और इसमें अपादान कारक है, अपादान का अर्थ होता है सीधा सा याद रखिए अलग होना, जहां पर किसी वाक्य में किसी वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए वहां पर अपादान कारक होता है, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, और इसमें जहां पर से अलग होना हो, से शब्द जो है वो अलग होने अर्थ में प्रयोग हो रहा हो,
तो वहां पर पंचमी विभक्ति का आपने प्रयोग करना है संस्कृत अनुवाद करते समय। आइए जानते हैं अगला अगला कारक है संबंध कारक। अब संबंध कारक के विषय में विशेष रूप से आप समझिए, वैसे तो संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता, कारक की श्रेणी में इसको नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता इन शब्दों का। जैसे अब देखिए, मतलब बिना क्रिया के भी ये अपने अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे रामस्य लेखनी, राम की लेखनी, अब इसमें क्रिया शब्द कहीं भी नहीं आया। अब क्रिया के साथ जब संबंध ही स्थापित नहीं हो रहा है तो इसलिए इसको कारक नहीं माना जाता है। परंतु संस्कृत में अनुवाद करते समय इसका विशेष महत्व है। संस्कृत में अनुवाद करते समय आप सीधा सा याद रखिए कि संबंध कारक में का चिन्ह होता है काके की, रारेरी, काके की मतलब उसका, उसके, उसकी, या मेरा, मेरे, मेरी, हमारी, इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो वहां पर संबंध कारक होता है। और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। और जैसे रामस्य, देवस्य, फलस्य, बालकस्य, लतायाः, तो इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है संस्कृत अनुवाद करते समय। अब राम की लेखनी, रामस्य लेखनी, रामस्य पुस्तकम, मम पुस्तकम, इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है। और इसको कारक की श्रेणी में नहीं गिना जाता क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। लेकिन संस्कृत में अनुवाद करते समय इसका विशेष महत्व है, इतना आपने याद रखना है। आगे देखिए अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आधार। जैसे मेरे हाथ, मेरा हाथ आधार है और मैंने इसके ऊपर लेखनी रखी है, ये आधार है, इस लेखनी का आधार है ये हाथ। आधारो अधिकरणम, संस्कृत में सूत्र है आधारो अधिकरणम, आधार को ही अधिकरण कहते हैं। अब जैसे इसका चिन्ह है मेया पर, और इसमें सप्तमी विभक्ति होती है बच्चों। जैसे कक्षायाम त्रिंशत छात्राः सन्ति, कक्षा में 30 छात्र हैं, कक्षा में मतलब कक्षा आधार है, या मेज पर पुस्तक रखी है, या हाथ पर लेखनी रखी है, तो इस प्रकार से ये आधार है, इसका चिन्ह होता है में या पर। जहां पर में या पर किसी वाक्य में आ जाए तो आपने समझना है कि वहां पर अधिकरण कारक है, क्योंकि आधार को अधिकरण कहते हैं और वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जब हम अनुवाद करेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे। आप अभी इतना ध्यान रखिए कि आधार को अधिकरण कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं, और इसका चिन्ह होता है में पर, और जिस वाक्य में या पर लिखा हुआ हो तो उसके साथ वाले शब्द के साथ मिलकर उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक होता है। आगे देखिए संबोधन कारक। जैसा कि संबोधन, संबोधन अर्थ नाम से ही पता चल रहा है कि संबोधन, किसी को संबोधन कर रहे हो, किसी को पुकार रहे हो, किसी को बुला रहे हो, इसको हिंदी में विस्मयादि बोधक शब्द भी हम चिन्ह भी हम कहते हैं। अब जैसे हे, अरे, अरे ये क्या हो गया, अरे इधर आओ, पुकारने अर्थ में और विस्मय आदि बोधक शब्द का प्रयोग करने में हम संबोधन का प्रयोग करते हैं, और इसमें संबोधन ही विभक्ति होती है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसको भी कर्ता, इसको भी कारक की श्रेणी में नहीं गिना जाता क्योंकि इसका भी क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। क्योंकि हम इतना ही अगर हम कहेंगे हे राम, अरे राम, तो इसने में से ही हमारा, हमारी बात जो है व्यक्त की जा रही है, इतने में ही हमारी बात का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अर्थात पुकारने अर्थ में हे और अरे जैसे यहां पर संबोधन कारक होता है, और संबोधन में संबोधन ही विभक्ति होती है। संस्कृत में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो संबोधन प्रथमा विभक्ति की तरह ही चलता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में रामः रामौ रामः प्रथमः, अब हे राम यहाँ पर विसर्गों का लोप हुआ है केवल, बाकी शेष वही है, हे राम, हे रामौ, हे रामः, क्योंकि इसका अंतर्भाव प्रथमा विभक्ति में ही हो जाता है, इसलिए इसको भी अलग से कारक नहीं माना जाता है। तो आप सभी के ये कारक प्रकरण समझ में आ गया होगा। अब कारकों के बिना कोई भी वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती, इतना ध्यान रखिएगा। एक बार देखिए पुनरावलोकन, कर्ता काम करने वाला,
कर्म कर्ता की पसंद, करण साधन, संप्रदान देना, अपादान अलग होना, संबंध संबंध एक दूसरे के साथ, अधिकरण आधार, और संबोधन पुकारना, किसी को संबोधन करना। तो इस प्रकार से ये आपका कारक प्रकरण संपन्न होता है। अगर आपको ये वीडियो ये पाठ समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इस पर टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए अगले पाठ के लिए इंतज़ार कीजिए, बहुत सुंदर पाठ आगे मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।